संस्कृत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में दिनेशपुर में उत्तरायणी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पर्वतीय उत्थान मंच और हमारी पहल द्वारा दो दिवसीय बुरांश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, बाहर से आए प्रसिद्ध लोकायुक्त गायक फौजी ललित मोहन जोशी द्वारा कई कार्यक्रम एवं गीतों से उत्तराखंड से संस्कृत पर आधारित कार्यक्रम दिखाया, तो वहीं कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने रंगोली तथा स्टॉप लगाया। इस मौके पर पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद्र पांडे का प्रभारी उत्तर मंच पर और हमारी पहल संस्था के सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद्र पांडे ने कार्यक्रम में लगे भोजन का स्वाद चाखकर आनंद लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद्र पांडे ने पर्वतीय उत्थान मंच और हमारी पहली संस्था की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुरांश जयंती उत्तराखंड का प्रमुख फूल है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए स्वास्थ्य ठीक होता जाता है, लेकिन बुरांश फूल के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन करके समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह अपने आप में ही एक ऐतिहासिक पहल है। इसके लिए संस्था के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। जब सबके सहयोग से कोई काम किया जाए और हमारी पहल और पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच ने सामूहिक रूप से यह आयोजन जो किया है, यह कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने के लिए काम किया है। मैं हमारी पहल और सांस्कृतिक उत्थान मंच, पर्वतीय उत्थान मंच दिनेशपुर को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने ब्रांच के नाम पर जो हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख मुख्य पुष्प जो ब्रांच है, जिसका इस्तेमाल करने से जहाँ स्वास्थ्य ठीक होता है, ऐसी ब्रांच के नाम पे समाज को जोड़ने का काम किया। यह अपने आप में ऐतिहासिक पहल है और मैं इसके लिए संस्था के सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इस अंचल में बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं और जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं उसका प्रोत्साहन के लिए सरकारी रूप से आर्थिक सहायता दिया जाए कि यहाँ के जो कला क्षेत्र है, दिनेशपुर का क्षेत्र कला क्षेत्र है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग यहाँ पर कला बिखरते हैं अपनी, तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र को ध्यान दें और जो कला यहाँ पे बहुत छुपी हुई कला है उसको निखारने का काम करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस